हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेवन क्रिस्टल सिस्टम और सेवन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। सेवन क्रिस्टल सिस्टम और सेवन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। एक्चुअली ये सेवन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो है वो किस पर डिपेंड है, तो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स लाइक एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स, इनके अरेंजमेंट के बेसिस पर जो है यहां पे ये सेवन क्रिस्टल सिस्टम जो है वो बनाई हुई है, जिसमें जो एजेस है, एजेस लाइक ए बी एंड सी, इसके रिलेशन जो है वो हमें देखना है। उस रिलेशन के हिसाब से भी ये सेवन क्रिस्टल सिस्टम जो है वो बनती है। साथ साथ जो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनको हम नाम देंगे यहाँ पे अल्फा, बीटा एंड गामा। इन एंगल्स का भी रिलेशन जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ स्टडी ऑफ सेवन क्रिस्टल सिस्टम। सो एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल, दैट मीन्स पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरीके से है, साथ साथ जो क्रिस्टल वहां पे फॉर्म हो रहे हैं उनके एजेस के रिलेशन किस तरीके से है, हाउ दीज एजेस लाइक ए बी एंड सी रिलेट टू ईच अदर, एंड दीज एंगल्स जो वहां पे फॉर्म हो रहे हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, इनकी मेजरमेंट कैसी है, इनके एक दूसरे के साथ वहां पे जो है वो किस तरीके से रिलेशन जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, उस बेसिस पर जो है क्रिस्टल के सेवन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर जो है वो बनाए गए हैं, उन्हें हम यहां पे कहेंगे सेवन क्रिस्टल सिस्टम और सेवन टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल्स। इसमें सबसे पहले जो क्रिस्टल सिस्टम हम स्टडी करेंगे वो है क्यूबिक सिस्टम। द फर्स्ट वन दैट इज क्यूबिक सिस्टम, पहले सिस्टम जो स्टडी करना है हमें वो है क्यूबिक सिस्टम। द फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम आउट ऑफ सेवन दैट इज क्यूबिक सिस्टम। अब इस सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो का क्रिस्टल जो है हमें नजर आएगा, जहां पे अगर हम देखेंगे तो एजेस के रिलेशंस क्या है, एजेस अगर देखेंगे तो एजेस जो है उसमें हमें देखेगा यहां पे ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। अगर आप क्रिस्टल को अगर देखेंगे तो यहां पे हमें एजेस कैसे दिखे, तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तीनों एजेस जो वेरियस फेसेस के इंटरेक्शन से वहां पे जो फॉर्म हो रहे हैं उनकी मेजरमेंट अगर हम करेंगे या एज लेंथ अगर हम निकालेंगे तो एज लेंथ हमें कैसे नजर आएगी, दीज आर इक्वल्स टू ईच अदर, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। साथ साथ इनके एंगल अगर हम देखेंगे, अगर एंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल अल्फा, एंगल बीटा एंड एंगल गामा जो है दीज आर इक्वल्स टू ईच अदर, दीज आर इक्वल्स टू ईच अदर। साथ साथ ये तीनों एंगल जो है वो तो कितने डिग्री के हमें नजर आएंगे, दीज आर ऑफ 90 डिग्री, तीनों की तीनों एंगल तो इक्वल तो है यहां पे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, तीनों एंगल कितने डिग्री के है इन केस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, वो है 90 डिग्री। सिंपल से ऐसे ये पॉइंट है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वो है एनएसीएल, केसीएल, डायमंड, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम। सो ऐसे सिंपल से सिस्टम हमें यहां पे नजर आ रही है जो फॉर्म हो रही है इन एजेस की वजह से और इन एंगल्स की वजह से। एजेस का रिलेशन है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, और एंगल्स का रिलेशन है वहां पे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, और तीनों एंगल कितने डिग्री के है, वो है 90 डिग्री के। तो ऐसा अगर कंपोजिशन हमें नजर आ रहा है किसी क्रिस्टल सिस्टम में तो वो क्रिस्टल सिस्टम जो है इट बिलोंग्स टू क्यूबिक सिस्टम।
ध्यान में रखना कि वो क्रिस्टल सिस्टम जो है वो कौन से सिस्टम की रहेगी, एक्चुअली तो क्यूबिक सिस्टम का वो क्रिस्टल जो है वो हमें वहां पे नजर आएगा। तो ऐसे सिंपल से सिस्टम है, दैट इज क्यूबिक सिस्टम। अब बात करेंगे हम अनादर सिस्टम की, सेकंड जो सिस्टम यहां पे दी है आफ्टर क्यूबिक सिस्टम वो है टेट्रागोनल सेकंड सिस्टम, दैट इज टेट्रागोनल सिस्टम। अब इस टेट्रागोनल सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है, तो जैसे क्यूबिक सिस्टम में हमें देखा था कि तीनों एजेस जो है वो सेम थे, तीनों एंगल भी वहां पे सेम थे, उससे थोड़ा यहां पे जो है हमें डिफरेंस जो है वो नजर आता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशन ऑफ एजेस। सो एजेस अगर हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आता है यहां पे, ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है, तो ये जो ए है दैट ए एंड बी दीज आर इक्वल, दोनों की लेंथ अगर हम मेजर करेंगे तो वो सेम नजर आएगी वहां पे, बट इन केस ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल एज सॉरी दैट वर्टिकल एज, तो वर्टिकल एज अगर देखेंगे हम यहाँ पे दैट इज सी, उसकी लेंथ जो है वो हमें ज्यादा नजर आ रही है। तो इस टाइप का रिलेशन जो है वो एजेस में हमें दिखता है कि ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। इन केस ऑफ एंगल्स, एंगल्स का हमें सेम रिलेशन नजर आ रहा है जो क्यूबिक सिस्टम में था। एंगल्स का रिलेशन क्या है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा ऑल्सो इक्वल्स टू गामा ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल्स का रिलेशन जो है अगर हम देखेंगे तो तीनों एंगल्स जो है वो सेम डिग्री के जो है वो यहां पे नजर आ रहे हैं। तो ऐसा सिंपल सा रिलेशन जो है वो हमें दिखता है इन केस ऑफ टेट्रागोनल सिस्टम जो फॉर्म हो रही है इन एजेस और एंगल्स के रिलेशन से। इन एजेस में देखेंगे तो ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यानी दो साइड इक्वल है और थर्ड साइड अगर डिफरेंट है, और तीनों एंगल जो है वो सेम अगर वहां पे नजर आते हैं और तीनों तीनों भी अगर 90 डिग्री के है, तो उस वक्त वो क्रिस्टल जो है वो कौन से सिस्टम का होगा, तो वो सिस्टम होगी यहाँ पे टेट्रागोनल सिस्टम। सो सिंपल ऐसा यहाँ पे ये रिलेशन जो है वो नजर आता है इन टर्म्स ऑफ एजेस एंड एंगल्स। एग्जाम्पल देखेंगे तो सिंपल सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है वो हमें नजर आ रहा है, दैट इज SN। अनदर एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो दैट इज TiO2। सो ये दो टाइप के कंपाउंड जो है वो किस टाइप का क्रिस्टल जो है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो दीज टू कंपाउंड शो द क्रिस्टल ऑफ द सिस्टम दैट इज टेट्रागोनल सिस्टम। कौन से सिस्टम का यहाँ पे नजर आएगा, तो वो है टेट्रागोनल सिस्टम। तो ये होगा सेकंड क्रिस्टल सिस्टम दैट इज टेट्रागोनल सिस्टम और उसका ये डिस्क्रिप्शन अलोंग विद दैट डायग्राम। अब मूव करके थर्ड सिस्टम की तरफ, थर्ड सिस्टम अगर हम देखेंगे यहां पे तो थर्ड सिस्टम में उसका जो नेम है दैट इज ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। थर्ड क्रिस्टल सिस्टम जो गिवन है यहां पे वो है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। अब इस सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ एजेस, एजेस को अगर हम देखेंगे तो एजेस का रिलेशन जो है वो हमें यहाँ पे जो नजर आता है, अगर आप देखेंगे केयरफुली डायग्राम को तो हमें क्या नजर आ रहा है, ऑल एजेस आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, दैट मीन्स एज ए एज बी और एज सी अगर देखेंगे तो हमें नजर क्या आता है वहां पे, तो तीनों एजेस जो है उनकी मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट है, दैट मीन्स हमें रिलेशन वहां पे मिल रहा है दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी। बट एक सेम थिंग जो है वो हमें नजर आती है डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे, जो अदर पल वाले दो सिस्टम में हमें नजर आई थी, इनके एंगल्स अगर हम देखेंगे, इनकेस ऑफ एंगल्स अल्फा इक्वल्स टू बीटा
also equals to gamma also equals to 90 degree. एंगल्स जो है वो सेम डिग्री के नजर आ रहे हैं और वो इक्वल है यहां पे अल्फा बीटा एंड गामा तीनों एंगल इक्वल है और सेम डिग्री है दैट मीन 90 डिग्री के नजर आ रहे हैं। तो अगर किसी क्रिस्टल सिस्टम में तीनों एजेस ध्यान से सुनना यहां पे तीनों एजेस ए बी और सी तीनों के तीनों एजेस अगर डिफरेंट है एक ही लेंथ कुछ डिफरेंट है बी से और सी से बी जो है वो डिफरेंट है और सी भी यानी तीनों एजेस अगर डिफरेंट है बट एंगल जो है वो इक्वल है इक्वल तो है लेकिन कितने डिग्री के है तो 90 डिग्री के अगर वहां पे नजर आते हैं तो वो जो क्रिस्टल है वो कौन से सिस्टम का होगा वो होगा ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम दैट क्रिस्टल बिलोंग्स टू द ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है That is KNO3 और PaSO4 so these are some examples of orthorhombic system। ये हो गया orthorhombic system। अब हम वो करेंगे यहां पे फोर्थ क्रिस्टल सिस्टम की तरफ। फोर्थ क्रिस्टल सिस्टम अगर हम देखेंगे द फोर्थ क्रिस्टल सिस्टम इज रोम्बोहेड्रल सिस्टम। फोर्थ क्रिस्टल सिस्टम जो है उसका नाम क्या है दैट इज रोम्बोहेड्रल सिस्टम। इस रोम्बोहेड्रल सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आता है तो अगर ये क्रिस्टल देखेंगे हम उसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे क्यूबिक सिस्टम का क्रिस्टल था वैसा ही ये क्रिस्टल है बट इंक्लाइन। ऐसा लगता है कि इस पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो क्रिस्टल है वो सामने की तरफ जो है वो बेंड हुआ है जिसकी वजह से इसकी एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं वो थोड़े से हमें इंक्लाइन एंगल जो है दिख रहे हैं। अगर इसके एजेस का रिलेशन हम देखेंगे तो दैट ए बी और वो जो सी है दीज थ्री एजेस आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट इक्वल लेंथ एज लेंथ जो है वो इनकी कैसी नजर आएगी सेम नजर आएगी। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इस टाइप का रिलेशन जो है वो हमें यहां पे दिखेगा इन केस ऑफ रोम्बोहेड्रल सिस्टम। एंगल भी अगर देखेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा ऑल्सो इक्वल्स टू गामा जो मैंने शुरू में ही कहा था कि ये क्यूबिक सिस्टम की तरह क्यूबिक क्रिस्टल की तरह जो है वो हमें नजर आता है। ऐसा क्यों नजर आ रहा है क्योंकि ये दोनों रिलेशन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों के दोनों रिलेशन जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल के जो है वहां पे हमने देखे थे। तो फिर डिफरेंस क्या है क्यूबिक में और रोम्बोहेड्रल में एक्चुअली वो जो एंगल्स जो है अल्फा बीटा और गामा वो इक्वल थे क्यूबिक सिस्टम में और उसकी मेजरमेंट जो दी थी वो थी 90 डिग्री यानी तीनों एंगल क्यूबिक सिस्टम में 90 डिग्री के थे बट इन केस ऑफ रोम्बोहेड्रल सिस्टम दिस थ्री एंगल्स आर नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें से कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा बट तीनों एंगल सेम रहेंगे तीनों एजेस सेम रहेंगे। तो ऐसे क्रिस्टल को हम किस सिस्टम में जो है वो वहां पे क्लासिफाई करेंगे तो वो सिस्टम होगी रोम्बोहेड्रल सिस्टम। दैट सिस्टम इज रोम्बोहेड्रल सिस्टम। इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो एग्जांपल दैट इज कैल्साइट। There is a coarse cinnabar. So these are some examples of rhombohedral system. ये कुछ example जो है वो हमें यहां पर नजर आते हैं इनकेस ऑफ rhombohedral system. Next crystal system is monoclinic system. Crystal system number 5. अगर हम बात करेंगे तो crystal system number 5
दैट इज मोनोक्लिनिक सिस्टम। इस मोनोक्लिनिक सिस्टम में अगर हम बात करेंगे एजेस की, अगर आप एजेस को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या नजर आता है वहां पे, तो ऑल द एजेस लाइक दैट ए बी एंड सी, तीनों एजेस की एज लेंथ अगर हम देखेंगे, उसको ऑब्जर्व अगर हम करेंगे तो हमें क्या नजर आता है, तो ए बी और ये जो सी है यानी थर्ड एज, दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी। सो ये एजेस जो है दीज आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, इनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट नजर आएगी एक दूसरे से। ए जो है वो डिफरेंट है वहां पे बी से, एंड बी इज डिफरेंट दैन ए एंड सी ऑल्सो। सो ऑल एजेस आर ऑफ डिफरेंट एज लेंथ। एंगल्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंटली यहां पे हमें रिलेशन नजर आ रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिस्टम वी डिस्कस। तो क्या नजर आता है कि अगर हम वहां पे देखेंगे तो अल्फा जो एंगल है साथ साथ गामा, ये जो एंगल है इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है और साथ साथ 90 डिग्री के लिए दोनों एंगल जो है वो इक्वल तो है, बट उनकी मेजरमेंट करेंगे तो अल्फा कितनी डिग्री का दिखेगा तो 90 डिग्री का, गामा की भी मेजरमेंट करेंगे तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू गामा ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट अबाउट बीटा, बीटा की अगर हम बात करेंगे तो बीटा एंगल अगर हम देखेंगे तो वो डिफरेंटली नजर आएगा, दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अल्फा और गामा एंगल जो है वो सेम है बट बीटा एंगल जो है वो हमें डिफरेंट मेजरमेंट का नजर आएगा जो 90 डिग्री के इक्वल जो है वो वहां पे नहीं होगा। सो ऐसी ये सिस्टम है, दैट इज मोनोक्लिनिक सिस्टम। इसके एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर, सिंपल सा एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर। सल्फर के एक्चुअली बहुत सारे क्रिस्टल जो है वो मिलते हैं, उसमें से ये एक है मोनोक्लिनिक सल्फर। एक रोम्बोहेड्रिक या रोम्बोहेड्रल सिस्टम में एक एग्जाम्पल भी वहां पे ले सकते हैं, दैट इज रोम्बोहेड्रल सल्फर, तो वो वहां पे आता है। यहां पे ये मोनोक्लिनिक सल्फर साथ साथ और एक एग्जाम्पल यहां पे ले सकते हैं, दैट इज सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इन इट SO4 10H2O। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम। यह है हमारी फिफ्थ क्रिस्टल सिस्टम। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम की तरफ, वो है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। यहीं पे हम थोड़ा सा इसको जो है लिखेंगे, क्रिस्टल सिस्टम नंबर 6 दैट इज ट्राइक्लिनिक सिस्टम। सो ट्राइक्लिनिक सिस्टम में अगर हम देखेंगे डायग्राम को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वहां पे क्या नजर आता है, तो सिंपल से रिलेशन जो है वो एजेस और एंगल्स के बीच में जो है वो हमें वहां पे नजर आते हैं। इन केस ऑफ ट्राइक्लिनिक सिस्टम अगेन एक इंक्लाइन स्ट्रक्चर है, क्या पे अगर हम देखेंगे जैसे रोम्बोहेड्रल में देखा था। सो एजेस अगर देखेंगे तो ऑल एजेस आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी, तीनों के तीनों एजेस जो है वो डिफरेंट है। ट्राइक्लिनिक सिस्टम। एंगल्स की बात करेंगे तो अल्फा बीटा और गामा एंगल अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या नजर आता है अल्फा बीटा एंड गामा में, तो ये तीनों एंगल्स जो है वो डिफरेंट है और उसमें से कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ऑल एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, उसके मेजरमेंट करेंगे तो वो डिफरेंट डिग्रीज में हमें वहां से नजर आएंगे और तीनों में से कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल जो है वो वहां पे नहीं होगा। यानी अगर कोई ऐसा क्रिस्टल हमें नजर आता है जिसमें तीनों एजेस जो है वो डिफरेंट है, तीनों एंगल्स भी डिफरेंट है और उसमें से कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल अगर नहीं है तो ऐसा क्रिस्टल जो है वो कौन से सिस्टम में आएगा, वो है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो
तो ऐसी सिंपल सी सिस्टम जो है वो हमें यहां पे दी है। इसका एग्जांपल अगर हमने लिया यहां पे तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम यहां पे ले सकते हैं, या के टू सी आर टू ओ सेवन, ये कुछ एग्जांपल जो है हम ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्राइक्लिनिक सिस्टम। बात करेंगे लास्ट क्रिस्टल सिस्टम की, सेवंथ क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज हेक्सागोनल सिस्टम, क्रिस्टल नंबर, क्रिस्टल सिस्टम नंबर सेवन, दैट इज हेक्सागोनल सिस्टम। डायग्राम को देखिए, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, अदर सिस्टम से ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है हमें। अगर हम देखेंगे बॉटम फेस अगर देखेंगे तो वहां पे ऑल कॉर्नर्स पर यानी सिक्स कॉर्नर्स है, सिक्स कॉर्नर पर सिक्स पार्टिकल नजर आ रहे हैं और एक सेंटर में नजर आ रहे हैं वहां पे। सेम वैसा ही जो अपर सरफेस है, अपर फेस है, वहां पे भी अगर हम देखेंगे तो सिक्स कॉर्नर पर जो है वो सिक्स पार्टिकल नजर आ रहे हैं यानी स्पीयर्स, और एक सेंटर में भी वहां पे नजर आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है इन केस ऑफ एजेस, ऑप्शन अगर हम करेंगे तो हमें नजर आता है वहां पे ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, इस टाइप का एजेस का रिलेशन जो है हमें वहां पे नजर आता है। एंगल अगर देखेंगे तो अल्फा एंगल, दैट इज बीटा एंगल एंड गामा एंगल, ये तीनों एंगल जो है वो वहां पे अदर सिस्टम से अगर हम अदर सिस्टम के साथ कंपेरिजन करेंगे तो डिफरेंटली अरेंज है, डिफरेंटली वहां पे प्लेस है अल्फा बीटा एंड गामा। इन एंगल्स का अगर हम रिलेशन देखेंगे तो एंगल्स अगर हम देखेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये दोनों एंगल अल्फा और बीटा दोनों एंगल जो है वो सेम डिग्री के नजर आते हैं यानी इक्वल है, और वो कितने मेजरमेंट है, दैट इज 90 डिग्री। व्हाट अबाउट गामा, गामा अगर देखेंगे ऊपर एंगल जो नजर आ रहा है तो गामा जो है इट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, गामा की मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो इस टाइप के मेजरमेंट जो है वो हमें हेक्सागोनल सिस्टम में जो है वो नजर आ रहा है। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल हमें नजर आता है, दैट इज ग्राफाइट, जो डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, देन एमसीडीएस, सीओएस, इस टाइप का एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पे ले सकते हैं जो बिलोंग करते हैं जिनके क्रिस्टल जो है हमें कौन से सिस्टम में नजर आएंगे, तो हेक्सागोनल सिस्टम। सो इस तरीके से ये है सेवन क्रिस्टल सिस्टम, और देर आर सेवन टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स।